घोसी हार के बाद राज्य मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान। संजय निषाद ओपी राजभर के बाद अब दानिश आजाद अंसारी का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव 2024 जिताने का भरा दम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधानसभा घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की बुरी तरह हार पर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। भाजपा नेता और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां एक दूसरे पर हार का ठिगरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं खुद ही अपनी पीठ थपथपाने में भी लगे हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संजय निषाद का बयान आया था कि निषाद समाज ने भाजपा को वोट दिया, घोसी चुनाव ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से हार गए। इसी बीच उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। शनिवार को आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील मुख्यालय के बगल में स्थित एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आजाद अंसारी ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, युवाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि घोसी उपचुनाव में मुसलमानों ने भाजपा को 10% से अधिक वोट दिया, बावजूद उसके हम चुनाव हार गए। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और कहां खामियां रह गई उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है, और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। जो परिणाम आया, निश्चित तौर पर जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी हम तमाम लोगों ने अपेक्षा की थी उस अनुरूप नहीं आया। जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं और जनता के बीच रह के विकास को सुनिश्चित करेंगे। घोसी के चुनाव में भी एक बात देखने को मिली कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 10% से अधिक मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसका साफ मतलब है कि आज मुस्लिम समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे और आज पूरा देश उनके लीडरशिप पर भरोसा करता है। भारत की क्षमताओं को बढ़ाने का काम, भारत को पूरे विश्व के पटल पे भारत का सम्मान बढ़ाने का काम, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित तौर पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का ये चुनाव लड़ेगा और ऐतिहासिक मतों के साथ भाजपा की।